नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा, जो कल मैंने आपको बताया था, पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। यानी जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हमें किन किन सोपानों की उसमें आवश्यकता होती है, अर्थात हम कहें पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया जब हम शुरू करते हैं तो उसमें जो सोपान किन किन चीज़ों का उसमें समावेश होता है, हम उन्हें सोपान अर्थात हम कहें कि उनके लिए जो मुख्य बिंदु होते हैं, किन चीज़ों की हमें आवश्यकताएं होती हैं, कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वो मैंने आपको कल बताया था कि पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों को 5 भागों में उनका विभाजन किया गया था। फर्स्ट था हमारा इसमें शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, सेकेंड था हमारा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, थर्ड है हमारा विषय वस्तु का चयन व गठन, फोर्थ था हमारा अधिगम अनुभवों का गठन, और जो हमारा लास्ट में था वो था हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन से पहले मैंने कल बताया था कि हम मूल्यांकन जब करते हैं तो उससे पहले हम उनकी विधियों, संसाधनों, उनके जो पूर्व में हम जो टेस्ट लिए हुए होते हैं, पूर्व निरीक्षण जो हम किए हुए हैं उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है वो हमारा इन सभी चीज़ों पर आधारित होता है। तो आज का जो हमारा, मैंने इसीलिए इसके पार्ट 2 किया है जिससे कि जो बच्चे इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने में आप लोगों को आसानी हो। आज का जो हमारा थर्ड पॉइंट है, क्योंकि 2 पॉइंट मैंने आपको कल समझाए थे, सबसे पहले था हमारा, हमने जो सबसे पहले मुख्य बिंदु पढ़ाया था वो था हमारा शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था, और आज है हमारा विषय वस्तु का चयन व गठन। जब हम कहते हैं कि जब हम किन्हीं लक्ष्य और उद्देश्यों को लेकर जाते हैं, यानी कि जब हम अपना एक उद्देश्य बनाते हैं कि हमें इस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपने लिए विषय वस्तु का चयन करते हैं। कहते हैं जो अधिगम हम करते हैं, जब हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं तो हम बिना विषय वस्तु के हम उस चीज़ को तैयार नहीं कर सकते, अर्थात हम कहें कि ये हमारे अधिगम में या हमारे पाठ्यक्रम के निर्माण का ये सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, जिसे कि हम इसके बिना हम हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण या हम कहें उसके चयन के बारे में हम नहीं सोच सकते। ये हमारा एक मापदंड होता है जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं तो हम बिना विषय वस्तु के हम उस चीज़ को तैयार नहीं कर सकते। तो इसमें यही है विषय वस्तु का चयन एवं गठन। अगर हम इसे समझें तो कहते हैं कि विषय वस्तु का चयन हमारे ज्ञान पर आधारित होता है, यानी कि जिस तरीके का हम ज्ञान, हमारा ज्ञान होता है उससे संबंधित हम हमारे विषय वस्तु का चयन करते हैं। अगर विषय वस्तु का चयन करना हम देखें, इसमें जो प्रक्रिया है, कहते हैं कि विषय वस्तु का चयन हम किस तरीके से करते हैं। विषय वस्तु का चयन, जो हम विषय वस्तु का चयन करते हैं, कहते हैं किस पर आधारित है, हमारे ज्ञान पर। किस पर आधार, ज्ञान पर है। ये हमारे एक प्रयोजन, यानी कि ये हमारे एक योजना होती है, प्रयोजना होती है, हम उसका चयन करते हैं, क्योंकि विषय वस्तु हमारा जो कंटेंट विषय वस्तु होता है वो हमारा वो जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसके लिए हम पहले से तैयार करते हैं। कहते हैं कि जब शिक्षक भी अगर कक्षा में जाते हैं तो वो अपने बिना विषय वस्तु के चयन के, या कहें अपने बिना टॉपिक के, वो कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होता कि हमें बच्चों को पढ़ाना क्या है या बच्चों को हमें ज्ञान किस चीज़ के बारे में देना है, तब तक हम उस चीज़ का, कहते हैं अगर हम उस चीज़ को अध्ययन ना करें या हमें स्वयं को जब तक उसका पता नहीं रहता, तो हमारा जो अधिगम है वो हमारा अप्रभावी होता है। इसमें यही है विषय वस्तु के चयन। तो हम देखें विषय वस्तु का चयन, जो हमारी प्रयोजना होती है, हमारी योजना होती है ज्ञान देने की, इसमें हम सबसे पहले जो ज्ञान का चयन करते हैं उसमें हम कहते हैं कि सबसे पहले हम सूचनाओं का औपचारिक संगठन करते हैं, यानी कि हम जिससे जो टॉपिक हम ले रहे हैं, जिस विषय वस्तु का हम चयन कर रहे हैं उससे संबंधित हम औपचारिक जो उससे औपचारिक संबंधित जो ज्ञान है उसका संगठन हम सबसे पहले करते हैं, कि उससे संबंधित हमें ऐसे कौन से औपचारिक ज्ञान है। औपचारिक ज्ञान को हम कहते हैं संस्थागत ज्ञान, अर्थात
जब शिक्षक हमें ज्ञान दे रहे हैं तो वो ज्ञान कौन सा होगा? हमारा औपचारिक, यानी कि शिक्षक से ज्ञान ले रहे हैं तो हम किसी संस्था से ले रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो ज्ञान हम औपचारिक संगठित करेंगे, यानी औपचारिक ज्ञान ग्रहण करेंगे कि जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, या तो हमारे लिए औपचारिक ज्ञान क्या होगा, हम किसी पाठ्य पुस्तक को देखेंगे, हम शिक्षक से पूछेंगे, या हम किसी न किसी बुक में पढ़ेंगे, अर्थात वो हमारा औपचारिक ज्ञान है। अगर औपचारिक ज्ञान हम ले रहे हैं, औपचारिक ज्ञान के बाद में हम उस औपचारिक ज्ञान को समझते हैं, अर्थात उस ज्ञान को हम समझने की कोशिश करते हैं और समझ के हम उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो जब चयन करते हैं तो चयन करते वक्त हम इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, यानी कि जो ज्ञान ले रहे हैं वो औपचारिक संगठित ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान को हमें समझना चाहिए और समझ के हमें उसे प्रयोग में लेना चाहिए। तो ये दो चीज़ें होती हैं जब हम किसी भी टॉपिक को, हम यह कहते हैं कि विषय वस्तु का जब हम चयन करते हैं तो हम इन चीज़ों का सबसे पहले, इन दो चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सूचनाएं जो होती हैं हमारी औपचारिक होनी चाहिए। दूसरा, हम सूचनाओं को हम समझ सके ऐसी हमारी सूचनाएं होनी चाहिए, ऐसा हमारा ज्ञान होना चाहिए और वही ज्ञान हमारे आगे प्रयोग में आने लायक हो, ऐसा हमें उस ज्ञान को लेना चाहिए। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम बनाने के लिए हमें ऐसे ही ज्ञान की आवश्यकता होती है कि जिस ज्ञान को हम समझें और हम आगे उसको प्रयोग में लें, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। कहते हैं कि जब तक पाठ्यक्रम हमारे लिए, हमारे आगे फ्यूचर के लिए या भविष्य में जब तक वो पाठ्यक्रम हमारे प्रयोग में ना हो या हम प्रयोग में नहीं ले सकते तो वो पाठ्यक्रम हमारा अप्रभावी होता है। इसीलिए पाठ्यक्रम के लिए जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो हम इन दो चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखते हैं। आप कहते हैं कि हमारे मापदंड, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं कि हम किन बिंदुओं को निश्चित करके उस पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का चयन करते हैं, अर्थात हम कहते हैं कि हमारे किसी कार्य को करने के लिए मापदंड होते हैं, यानी कि हमारे एक विशेष, हम जिन चीज़ों को विशेष बिंदु हम अंकित करते हैं कि उसमें उन चीज़ों का समावेश होना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, वो कौन कौन सी है? देखिए, फर्स्ट है हमारा इसमें आत्मनिर्भरता। फर्स्ट है हमारा आत्मनिर्भरता। कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम शिक्षक को भी आत्मनिर्भर बनाता है और विद्यार्थी को भी आत्मनिर्भर बनाता है, क्योंकि जब हम ये पाठ्यक्रम, जब हम इस पाठ्यक्रम में हमारे विषय वस्तु का चयन करते हैं तो उस विषय वस्तु को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो हमारे ज्ञान उत्पन्न होता है वो हमें एक आत्मनिर्भर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जागृत करता है, हम उससे हमारे आत्मनिर्भर बनते हैं। बच्चे उस चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं पूरा, और ज्ञान अर्जित करने के बाद में वो उस ज्ञान पर आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर जागृत होता है कि हमें इस चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान हो चुका है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जब हम छात्र पर इसके सबसे बड़ा मापदंड है आत्मनिर्भर, यानी कि पाठ्यक्रम हमें आत्मनिर्भर बनाता है, जिससे कि हम हमारे सामने आने वाली प्रत्येक समस्याओं का हम सामना कर सकें। तो फर्स्ट है हमारा इसमें आत्मनिर्भर, यानी कि जब हम जिस चीज़ को सीखते हैं तो हम आत्मा से ग्रहण करते हैं, मन से ग्रहण करते हैं और हम उसके पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो हमारी आत्मा से निर्भर है। और आत्मा से निर्भर कौन होगा? स्वयं जो ग्रहण कर रहा है, जो ज्ञान स्वयं ले रहा है, चाहे वो शिक्षक हो या विद्यार्थी हो। तो इसका पहला मापदंड है हमारा आत्मनिर्भरता, यानी कि पाठ्यक्रम हमें कैसा बनाता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है। सेकंड है हमारा इसके लिए महत्व, कि पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। कहते हैं कि पाठ्यक्रम जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं, विषय वस्तु के लिए कहते हैं कि ये हमारी एक अवधारणा, हमारी संकल्पना होती है कि हमें हमारा जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं आखिर उसका स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है। यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं अगर उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है तो हम उस चीज़ के पीछे नहीं भागते। तो अर्थात कहीं ना कहीं इसका हमारे जीवन में, या कहें हमारे शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति में, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उस महत्व को पूरा करने के लिए जो हम उद्देश्य लेके चलते हैं, अगर महत्व को कहें हम उद्देश्य, तो उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होता है। बिना
अवधारणा उस पाठ्यक्रम के प्रति है, उस अवधारणा को हम पूरा नहीं कर पाते। कहें कि हम पाठ्यक्रम जो अवधारणा बताता है हमें, उसके बारे में हमें पूरी कोई नॉलेज नहीं होती। कहते हैं इसके लिए ये हमारी संकल्पना, हम जो कल्पित करते हैं, हमारी कल्पनाएं होती हैं इसके अंदर, हमारी कल्पनाओं का समावेश होता है इसके अंदर, तो ये सब हमारे लिए महत्व होता है इसमें। थर्ड है हमारा इसकी वैधता, यानी कि वैलिडिटी। जो हम कहते हैं कि जब हम ये पाठ्यक्रम बनाते हैं तो कहते हैं पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे लिए वैध और विश्वसनीय हो, यानी कि जो हम मापक कार्य कर रहे हैं, प्रमाणित कार्य कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि हम बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो क्रियाएं बच्चे करते हैं, जो मूल्यांकन बच्चों का होता है, वो हमारा वैध होना चाहिए। थर्ड है हमारा इसमें रुचि। कहते हैं कि पाठ्यक्रम हमेशा रुचिपूर्ण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण है तो उससे हम विषय वस्तु का जो चयन कर रहे हैं वो भी हमारा रुचिपूर्ण, यानी कि ऐसा हो जिसमें कि विद्यार्थी इंटरेस्ट लें। हम कहें कि अगर हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, हम विषय वस्तु का, हमारे जब पाठ्यक्रम में सभी विषयों का समावेश होगा, तो उस समावेश में विद्यार्थी, जरूरी नहीं है कि हमारे प्रत्येक विषय में वो हमारा इंटरेस्ट रहे, यानी कि हमेशा विद्यार्थी उसी चीज़ का चयन करेगा जिसमें कि उसका इंटरेस्ट होगा, और वो उसी ज्ञान को जल्दी ग्रहण करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। तो कहते हैं कि जब हम विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं पाठ्यक्रम में, हम जिस विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, तो विषय वस्तु जिस चीज़ का चयन कर, तो उसमें हमें सबसे पहले हमें विद्यार्थी की रुचि अथवा उसके इंटरेस्ट के बारे में भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस क्षेत्र में, किस विषय में विद्यार्थी की रुचि है। तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का जब हम चयन करते हैं तो उसमें हमें विद्यार्थी के इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारी उपयोगिता। कहते हैं कि जिस तरह से पाठ्यक्रम हमारे लिए उपयोगी होता है, तो पाठ्यक्रम में जब हम विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं तो विषय वस्तु भी हमारी, हमारे फ्यूचर में या हमारे कहते हैं उपयोग में आने वाली होनी चाहिए। हमें उस विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो, या हम कहें कि हमारे लिए आगे फ्यूचर में उसके लिए उपयोगी बने। फिर है हमारी अधिगमता, यानी कि जो हम सीखते हैं। कहते हैं विषय वस्तु के चयन के लिए अधिगमता होना चाहिए, यानी कि उसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं, विषय का चयन ऐसा होना चाहिए जो हमें निरंतर हमें आगे बढ़ाता रहे, या आगे बढ़ने के लिए, आगे जो हम चीज़ें सीखते हैं उसके लिए हमें प्रेरित करता रहे। तो ये अधिगमता जो होती है विद्यार्थी के अंदर, जब विषय वस्तु में अधिगमता होगी उस चीज़ को सिखाने की, यानी कि विद्यार्थी के अंदर सीखने की भावना को जागृत करना कि किस तरह से उस विषय वस्तु में वो अपना इंटरेस्ट रखता है और अपनी अधिगम क्षमता को आगे बढ़ाता है। तो इसके जो हमारे ज्ञान कहते हैं कि इसमें हमारे विषय वस्तु के चयन के मापदंड थे हमारे आत्मनिर्भरता, महत्व, वैधता, रुचि, उपयोगिता और अधिगमता। ये इसके हमारे पॉइंट थे। इसी टॉपिक में हमारा नेक्स्ट है विषय वस्तु के चयन के साथ हमारा उसका गठन, ताकि जब हम चयन करते हैं इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों के चयन के बाद में हम उसे किस तरह से उसका गठन करते हैं। तो गठन में है हमारा सबसे पहले, कहते हैं जब हम विषय वस्तु का गठन करते हैं तो कहते हैं ना, पाठ्यक्रम हमारे हमें सिखाता क्या है, पाठ्यक्रम हमें सरल से जटिलता की ओर ले जाता है। यानी कि हम जब इसको देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हमें, हमारे लिए बहुत ही सरल है। तो कहते हैं पाठ्यक्रम हमारे सरल से जटिलता की ओर हमें लेके जाता है, तो अर्थात इसका क्रम होता है ये। तो पहला इसमें आता है हमारा क्रमबद्धता, कि जो हम विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं उसका क्रम इस तरीके का होना चाहिए कि वो हमें सरल से जटिल की ओर लेकर जाएं, जिसे हम कहें कि देखने में हम सरल और आगे हमारे लिए जो हम सरल से, हम उसे आसानी से समझें, देख उसे समझ सके और उसको आगे लेके जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निरंतरता, कि हमारे पाठ्यक्रम में कहते हैं ये पाठ्यक्रम की विशेषता है कि पाठ्यक्रम निरंतरता होना चाहिए। पाठ्यक्रम निरंतरता का मतलब जो निरंतर हमारे लिए आगे तक हमारे काम में आ सके। तो विषय वस्तु भी ऐसी होनी चाहिए जो निरंतर चलने वाली हो, जो हम आगे उसको प्रयोग में ले सकें, ऐसी हमारी विषय वस्तु का चयन होना चाहिए। इसमें हमेशा हमारे जीवन में निरंतर प्रयोग में आती रहे, यानी जो हमने सीखा है उस
इसको निरंतर हमारे जीवन में प्रयोग में आना चाहिए। इसी तरह से हमें विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें एकीकरण। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा एकीकरण। एकीकरण के लिए कहा जाता है कि एकीकरण ऐसा होना चाहिए, कहते हैं पाठ्यक्रम जब हम बनाते हैं तो सभी विषयों का उसके अंदर सह संबंध होना जरूरी होता है। कोई ना कोई विषय अपने एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, वो एक एकीकरण की निशानी है कि किस तरीके से एक विषय से दूसरी विषयों का जुड़ाव होता है। तो कहते हैं कि उसी तरह से हम जब हमारे विषय वस्तु का चयन करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो हमें एकीकरण का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि उन्हें एक अंतर संबंध उनके अंदर, सह संबंध उनके अंदर होना चाहिए। अब हम जब विषय वस्तु का चयन करते हैं तो उसके लिए कहते हैं हमें कुछ सावधानियाँ अपनानी होती हैं। वो सावधानियाँ है हमारी सबसे पहले आवश्यकताएँ और रुचियाँ, यानी कि जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि वो विषय वस्तु हमारे लिए आवश्यक भी होनी चाहिए और इंटरेस्टेड भी होनी चाहिए। यानी कि हमें इस चीज़ के सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो हम विषय वस्तु बना रहे हैं, ये हमारी सावधानी है कि हमें विषय वही चयन करना चाहिए जिसमें हमारी आवश्यकताएं छुपी हुई हों, कि हमें किस तरीके से उसके द्वारा हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा था इसमें पूर्व ज्ञान व उपलब्धियों पर, यानी कि जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो हम उससे संबंधित, जब हम विद्यार्थी से उनके पूर्व ज्ञान के बारे में पूछते हैं तो उसी आधार पर हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो कहते हैं कि विषय वस्तु का कहीं ना कहीं जुड़ाव हमारे पूर्व ज्ञान पर भी होना चाहिए। कहते हैं कि पूर्व ज्ञान को ही हम आगे लेके जाते हैं, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम भी कहता है, क्योंकि वो जो पाठ्यक्रम हम लेते हैं उसे तो उस ज्ञान को जब हम आगे प्रयोग में लेते हैं तो वो हमारा पूर्व ज्ञान बन जाता है, यानी कि जब हम जीवन में उसे प्रयोग में ले रहे हैं उस ज्ञान को, तो वो ज्ञान हमारा पूर्व ज्ञान है। तो कहते हैं विषय के लिए भी यही चीज़ है कि हम जिस विषय का ज्ञान ले रहे हैं उसके लिए हमारे पूर्व ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इसमें योग्यताएँ एवं क्षमताएँ। कहते हैं कि हमें जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो विद्यार्थी की योग्यता और क्षमता के अनुसार, उसके मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर के अनुसार हमें उस सिलेबस को, उस जो पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं उस पाठ्यक्रम को हमें बनाना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, कहते हैं जब हम पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं तो सभी स्टूडेंट, कहते हैं सबके व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता होती है मानसिक, तो उसी के आधार पर, कहते हैं हमें उसी आधार पर हमें पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, विषय वस्तु तैयार करना चाहिए। हम कहें कि हमें कमज़ोर, इंटेलिजेंट या कहते हैं मध्यम जो अल्पते होते हैं स्टूडेंट, उनके आधार पर हमें उस पाठ्यक्रम को, उस विषय को चयन करना चाहिए जिसमें कि सभी व्यक्तियों के आधार पर, सभी विद्यार्थियों के आधार पर हम अपना विषय का चयन कर सकें। इसमें है शिक्षण विधियाँ, यानी कि हम जो विषय वस्तु का चयन करें तो उसके लिए हमें हमारी शिक्षण विधियों का जो प्रयोग हम करते हैं, विभिन्न विभिन्न शिक्षण विधियों का, जो संसाधनों का जो हम प्रयोग करते हैं पाठ्यक्रम के अंदर, हमें उन विधियों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय के लिए हमें जिन विधियों का प्रयोग करना है, हमें उन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हम कहें कि हम SST के लिए जो हम लेते हैं व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, तो इन विधियों का उसके अंदर समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण उद्देश्य, यानी कि जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो उसके लिए हमारा एक शिक्षण उद्देश्य होता है, हम उस उद्देश्य को जो हम लेकर चलते हैं उस उद्देश्य की हम पूर्ति करते हैं। सरल अधिगम, कहते हैं कि ये पाठ्यक्रम जो मैंने पहले बताया था संघबद्धता में, कि जब हम हमारा पाठ्यक्रम सरल से जटिल हो जाता है तो ये हम जो विषय वस्तु जिसका हम अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अर्थात हम जिस चीज़ को चाहे शिक्षक सिखाएं तो उन्हें का जो तरीका होगा अधिगम करवाने का, वो अधिक तरीका होना चाहिए सरल, यानी कि हम जिस चीज़ को सीख, कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ से पहले से ही डर जाएं या जो चीज़ का स्वरूप हमें बड़ा दिखाई दे जाए, व्यापक दिखाई दे जाए, तो हम उससे हटकर दूर चल जाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ का हमें विश्लेषण करके और उसका सरल रूप दिखा दिया जाए तो हम उस चीज़ को जरूर समझें। कौशल, रुचि और मूल्य, कहते हैं कि जो शिक्षण विषय है उसके अंदर हमारा एक क्रिएटिविटी छुपी हुई होती है, उन चीज़ों का भी हमारे इस विषय वस्तु में एक अहम भूमिका होती है,
और उनका भी इसमें समावेश होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में जो थर्ड पॉइंट था, विषय वस्तु का चयन एवं गठन। आगे की जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बता